श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड के बीच खेला गया मैच नंबर 12 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का, जो कि ऐतिहासिक मुकाबला साबित हुआ दोस्तों श्रीलंका के फैंस के नजरिए से। इस मुकाबले में श्रीलंका ने दोस्तों ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, जो कोई भी टीम अभी तक नहीं करके दिखा पाई थी, वो कमाल श्रीलंका की टीम ने करके दिखाया। आप सभी को जानकारी दे दें, इस मुकाबले में श्रीलंका ने नेदरलैंड की टीम को 44 रनों के अंदर ऑल आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, महज 44 रन्स के अंदर ऑल आउट, सबसे महानतम जीतों में से एक इसे गिना जाएगा श्रीलंका के इतिहास में, क्योंकि 44 रनों के अंदर दोस्तों नीदरलैंड को ऑल आउट करना बहुत बड़ी बात है। भले ही नीदरलैंड थोड़ी कमजोर टीम हो, इससे पहले अपने दोनों मुकाबले क्वालिफाइंग के हारी थी, लेकिन सुपर 12 की अगर रेस में मतलब ग्रुप स्टेज के मुकाबले तक आई तो जरूर इनके अंदर कोई ना कोई खासियत रही होगी, लेकिन इस मुकाबले में ना सही दोस्तों। इससे पहले खतरनाक तरीके से श्रीलंका को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे कि क्या श्रीलंका सुपर 12 में जगह बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, लेकिन जीत की हैट्रिक के साथ श्रीलंका ने कदम रखा है दोस्तों सुपर 12 मुकाबले में। कौन से ग्रुप में गई है, किस किस टीम के साथ मुकाबला होगा, आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं इस बार आपकी पसंदीदा टीम टी20 वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो नेदरलैंड श्रीलंका का ये महान मुकाबला जो खेला गया दोस्तों शारजहां जैसे क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर चौके छक्कों की बरसात होती है, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि यह वो मैदान है जिसमें आईपीएल के एक मैच के दौरान दोस्तों करीब 33 छक्के लगे थे, मतलब 33 छक्के एक मुकाबले में, और कहां 44 रन ऑल आउट, मतलब मुकाबले और आप पिच देख सकते हैं क्या बड़ा डिफरेंस है। यहां पर शारजहां क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों चौके छक्कों के लिए जानी जाती है, लेकिन 44 के अंदर ऑल आउट के लिए अब जानी जाएगी। यहां पर हर टीम गेंदबाजी करते वक्त मजबूत नजर आएगी। बात करें दोनों ही टीमों के खतरनाक प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों मतलब नेदरलैंड के लिए तो कुछ खास बचा नहीं था, क्योंकि दो मुकाबले हार कर पहले ही वो सुपर 12 की रेस से बाहर हो गई थी, लेकिन श्रीलंका के पास मौका था कि जीत के हैट्रिक के साथ बाकी टीमों के सामने दबदबा बनाकर अपनी सुपर 12 में जगह बनाए। तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 की आपकी जानकारी देते हैं, नेदरलैंड को यहां पर थोड़ा साइड करते हैं। तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 थी, पथुम निशांका, कुशल परेरा, चरित असलांका, अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्सा, दसुन शनाका, वनिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुश्मन चमीरा, महेश दीक्षाना, लहिरी कुमारा। वहीं इनकी बेंच की बात करें तो दिनेश चंडीमल, अकेला धनंजय, धनंजय डी सिल्वा, बिनोरा फर्नांडो दोस्तों यहां पर बेंच पर बैठे थे। अब यहां बात करें दोस्तों टॉस की, तो शारजहां के शानदार स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ठीक 7:30 बजे यह मुकाबला शुरू हुआ था, ग्रुप ए का दोस्तों आखिरी कह सकते हैं ग्रुप स्टेजेस का मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दोस्तों यहां पर नेदरलैंड की टीम, क्योंकि कप्तान दसुन शनाका ने जीता था टॉस, तो 44 रन के अंदर मतलब ऑल आउट, मतलब यकीन नहीं होता दोस्तों ये हुआ क्या। शुरुआत में मायब्रुक और मैक्स ओडवर्ड यहां बल्लेबाजी संभालने के लिए आए, पहली पार्टनरशिप इनके बीच, मैच और मैच कुछ नहीं, तो दोस्तों यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 रन की देखने को मिली। 4 गेंदों में 3 रन बने थे, मैक्स ओडवर्ड का यहां पर होता है रन आउट। रन आउट यानी कि आपकी किस्मत आपके साथ नहीं है, तो ये मुकाबला भी आपके हाथ से निकलता नजर आएगा। रन आउट जब भी होता है दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा घटता है मैदान पर। 3 गेंदों में 2 रन बनाकर मैक्स ओडवर्ड शनाका के हाथों होते हैं रन आउट। बैन कूपर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, मायब्रुक उनका साथ दे रहे होते हैं, लेकिन तभी महेश दीक्षाना यहां पर गेंद संभालते हैं और उसी ओवर के अंदर यानी तीसरे ओवर के अंदर 2 विकेट चटकाते हैं, जहां तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों यहां पर बैन कूपर का विकेट गिरता है। फिर 5वीं गेंद पर जब टीम का स्कोर 20 रन पर होता है तो गिरता है दोस्तों यहां पर मायब्रुक का विकेट। तीनों बल्लेबाज दोस्तों यहां पर समझ जाते हैं महज 20 रन के अंदर। इसके बाद यहां पर एकरमैन बल्लेबाजी संभालने के लिए आते हैं, 9 गेंदों में 11 रन वन बनाते हैं। वनिंदु हसरंगा इनको एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं। फिर बैस डी लीडे को दोस्तों वनिंदु हसरंगा 3 गेंदों में बिना खाता खोले चलता कर देते हैं, तो वो 5वां ओवर ही बड़ा कमाल का नजारा रहता है। वनिंदु हसरंगा की गेंदबाजी, मतलब पिछले मुकाबले में इन्होंने 70+ रन की पारी खेली थी, उस मुकाबले में 3 विकेट चटकाई, मतलब ये खिलाड़ी सबका दिल जीत रहा है और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। स्कॉट एडवर्ड्स यहां बल्लेबाजी संभालने के लिए आते हैं, 13 गेंदों में 8 रन वो बना पाते हैं। वैन ड्री मर्वे दोस्तों बिना खाता खोले चमीरा इनको चलता कर देते हैं। फिर सीलर जो कप्तान है 5 गेंदों में 2 रन बनाते हैं। वनिंदु हसरंगा इनको भी एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं, मतलब वनिंदु हसरंगा ने 3 विकेट लिए और तीनों विकेट दोस्तों एलबीडब्ल्यू के जरिए ले, ना ही इन्होंने विकेट के जरिए कैच लिया, ना विकेट गिराया, ना रन आउट, ना स्टंप, कुछ नहीं, एलबीडब्ल्यू। उसके बाद दोस्तों फ्रेड क्लासन 6 गेंदों में 1 रन बनाकर नाबाद खड़े रहते हैं। दूसरे छोर से ब्रैंडन ग्लोवर और वैन मेकरन का आखिरी ओवर में दोस्तों 3 विकेट, मतलब आखिरी 10वां जो ओवर होता है उसमें 3 विकेट एक साथ जाती है। स्कॉट एडवर्ड्स की पहली गेंद पर जाती है 10वें ओवर की, तीसरी गेंद पर ब्रैंडन ग्लोवर की विकेट जाती है और 6ठी गेंद पर जाती है वैन मेकरन की। 44 रन के अंदर दोस्तों पूरी की पूरी नेदरलैंड टीम का कर देती है श्रीलंका सफाया। आपको बताएंगे दोस्तों कि इतिहास में सबसे कम स्कोर किसका रहा है टी20 मुकाबले, वीडियो के अंत तक तो बने रहिए।
अब यहाँ श्रीलंका को चेस करना था सबसे कठिन स्कोर 45 रन का, मतलब 120 गेंदें और 45 रन आपको चेस करना है, मतलब क्या ही कहें, 4.5 रन प्रति ओवर दोस्तों आपको बनाने हैं, तो इस मुकाबले में आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों चेस करने के लिए उतरी श्रीलंका की टीम की पहली विकेट दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर, जब 7 रन पर स्कोर था तो प्रथम निशांका बिना खाता खोले ब्रैंडन ग्लोवर के हाथों आउट होते हैं। वैन मैकरन यहाँ पर कैच पकड़ते हैं, कुशल परेरा और चरित असलांका पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, बनाने ही दोस्तों सिर्फ 45 रन थे। अगर ये 145 का स्कोर होता तो नीदरलैंड के चांस होते जीतने के लिए कि वो डिफेंड कर ले जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। श्रीलंका की टीम 45 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज करती, जिसमें कुशल परेरा के 24 गेंदों में 33 रन 6 चौके की मदद से, वहीं चरित असलांका के 10 गेंदों में 6 रन 1 चौके की मदद से, अविष्का फर्नांडो के 4 गेंदों में 2 रन आते हैं बिना मतलब चौका छक्का मारे, नाबाद रहते हैं। तो 33 रन दोस्तों कुशल परेरा बनाते हैं 45 में से, तो ये मतलब जीत बड़ी शानदार रही। एक विकेट ब्रैंडन ग्रोवर लेते हैं, एक विकेट पॉल मैन मीकरन लेते हैं, तीन ही गेंदबाज का कप्तान इस्तेमाल करते हैं। 7वें ओवर के बाद 8वें ओवर की पहली गेंद तक ये मुकाबला श्रीलंका बड़ी ही आसानी से 45 रन कर लेती है चेज। चलिए दोस्तों इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि सबसे लोवेस्ट स्कोर किस टीम का रहा था। लोवेस्ट स्कोर इन टी20 इंटरनेशनल मेंबर्स टीम दोस्तों यहां पर इतिहास और लिस्ट की ये कहती है कि वेस्टइंडीज ने 45 का स्कोर बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ साल 2019 में, वहीं न्यूजीलैंड ने 60 का स्कोर बनाया था श्रीलंका के ही खिलाफ 2014 में। वेस्टइंडीज 60 रन पर दोस्तों निपट गई थी पाकिस्तान के खिलाफ साल 2018 में, और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां 62 रन पर बांग्लादेश के हाथों आउट हुई थी 2021 में। ये 5 टीमों के सबसे कम लोवेस्ट स्कोर है, जिसमें वेस्टइंडीज का 45 का रिकॉर्ड नीदरलैंड ने तोड़ दिया, क्योंकि ये आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग यानी ग्रुप स्टेज का मुकाबला है, तो जरूर इसमें गिनती की जाएगी। बात करें अगर लोवेस्ट स्कोर इन टी20 इंडियन टी20 लीग की, यानी कि इंडियन टी20 लीग की बात करें, जैसे आईपीएल होता है, तो आईपीएल की अगर बात करें तो आपको याद ही होगा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का लोवेस्ट स्कोर है 49 का, कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ साल 2017 में बनाया था। राजस्थान रॉयल्स 58 पर ऑल आउट हुई थी, बैंगलोर उनके सामने ऑपोजिशन के तौर पर थी, 2009 का वो रिकॉर्ड था। दिल्ली की टीम दोस्तों 66 पर मुंबई के खिलाफ 2017 में ऑल आउट हुई थी, दिल्ली की टीम 67 रन पर ही पंजाब के खिलाफ 2017 में ही ऑल आउट हुई थी, कोलकाता की टीम भी 67 रन पर मुंबई के सामने समेट चुकी है 2008 में। तो अब तक का दोस्तों सबसे लोवेस्ट स्कोर नीदरलैंड का बना है, क्योंकि 44 पर ही साल 2021 का ये टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में ये श्रीलंका के खिलाफ ऑल आउट हो गई है। अगर बात करें लोवेस्ट स्कोर इन टी20 ऑल टीम्स, मतलब ऑल टीम्स पूरी दुनिया की टीम है जो पूरी दुनिया में गिनती आती है, तो उसमें टर्की का टीम का सबसे लोवेस्ट स्कोर है, चेक रिपब्लिक के खिलाफ 21 रन के स्कोर पर टर्की की टीम ने यहाँ पर ऑल आउट मारा था, मतलब चेक रिपब्लिक ने ऑल आउट मारा था टर्की की टीम को साल 2019 में 21 रन पर दोस्तों पूरी टीम निपट गई थी। अब यहां पर नीदरलैंड के सामने दोस्तों पहले से ही मुसीबतों के पहाड़ थे और यहां पर बादल और छा गए, क्योंकि क्वालिफाइंग मुकाबले में दोस्तों पहले से ही नीदरलैंड हो चुकी थी बाहर, उनके लिए इस मुकाबले में कुछ बचा नहीं था, बची तो उनके सिर्फ हाथ में इज्जत। अब इज्जत दोस्तों क्या ही कह सकते हैं, इज्जत भी यहां पर ले डूबी श्रीलंका की टीम। 3 मैच नीदरलैंड हारी, 3 मैच श्रीलंका जीती, 3 ही मैच दोनों टीमों के बीच हुए थे। श्रीलंका ने पहला जीता आयरलैंड नीदरलैंड, मतलब तीनों के खिलाफ यहां मुकाबले जीते। अब दोस्तों सुपर 12 की तरफ लेकर चलते हैं कि यहां पर श्रीलंका क्वालिफाई करी है नंबर 1 पोजीशन के साथ, तो सुपर 12 पोजीशन की यहां पर क्या स्थिति है, कौन सी टीम कौन से ग्रुप में गई, वो भी जानना आपके लिए दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर आप श्रीलंका को फॉलो करते तो आप उनको जानिए कि उनके अगले मुकाबले किस किस टीम के खिलाफ होने वाले हैं। डेट दोस्तों हम आपको अपनी अगली वीडियो में बता देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों श्रीलंका आ गई है ग्रुप 1 में, क्योंकि रूल्स ये कहता था कि जो टीम ग्रुप ए में नंबर 1 पोजीशन पर अंत करेगी वो सुपर 12 ग्रुप 1 में जुड़ेगी, और जो नंबर 2 पर ए ग्रुप ए में रहेगी वो जाएगी सुपर 12 टीम 2 में, जिसमें इंडिया का मैच है। अब दोस्तों आज दिन वाला मुकाबला नामीबिया जीती आयरलैंड के खिलाफ, तो नामीबिया चली गई इंडिया वाले ग्रुप में, और श्रीलंका चली गई है यहां पर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज और बांग्लादेश वाले ग्रुप में, मतलब इन 5 टीमों के साथ श्रीलंका के अगले मुकाबले होने हैं। अब वहीं बात करें दोस्तों दूसरी तरफ नामीबिया की, तो नामीबिया की टीम दोस्तों सुपर 12 से जो ए ग्रुप है वहां पर शामिल हुई है यहां पर सुपर टीम 2 में, तो नामीबिया के अगले मुकाबले अफगानिस्तान इंडिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के साथ होने हैं। ग्रुप बी से दोस्तों बांग्लादेश गई है ग्रुप 1 में, जिसमें उनके मुकाबले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज और श्रीलंका से होने हैं, और स्कॉटलैंड यहां ग्रुप 2 में है इंडिया वाले ग्रुप में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तगड़ी तगड़ी टीम है अब दोस्तों सब सुपर 12, मतलब 12 ऐसी टीम है जो पूरी दुनिया से छटकर यहां सामने आई है, उनके मुकाबले होंगे कल से 23 तारीख से दोस्तों मुकाबले शुरू है। पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेज
ऑस्ट्रेलिया के बीच दिन 3:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। शाम का मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच। श्रीलंका ने 44 पर ऑल आउट करके नेदरलैंड को हराया 8 विकेट के नुकसान से, 8 विकेट से जीत दर्ज करी। दोस्तों श्रीलंका की टीम ने बड़े ही शानदार तरीके से गेंदबाजी में चमके इनके गेंदबाज, जिसमें अगर गेंदबाजों की बात करें दोस्तों तो बेहतरीन गेंदबाजी दोस्तों आज वनिंदु हसरंगा ने की, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। लहिरू कुमारा ने 3 ओवर में 1 ओवर मैटिंग देते हुए 7 रन देकर 3 विकेट चटकाए। 2 विकेट तिक्षाना ने चटकाए, 1 विकेट चमीरा ने चटकाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए श्रीलंका के नाम रहा ये क्वालिफाइंग राउंड ग्रुप स्टेज का। देखते हैं दोस्तों 2014 की विनिंग टीम T20 वर्ल्ड कप की श्रीलंका क्या इस बार भी अपने खिताब पर कब्जा कर पाएगी या नहीं। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।